कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को तीसरी बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया है। अगले हफ्ते देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जो जहाँ है वहाँ रहे और सुरक्षित रहे। मोदी ने कहा कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा। जो इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन को तोड़ने पर यह अनुमति वापस भी ली जा सकती है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 7 बातों का खास ध्यान रखने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, गरीबों जरूरतमंदों की मदद करें, अपने साथ काम करने वालों की मदद करें और कोरोना योद्धा का सम्मान करें। पीएम मोदी ने कहा कि हमें हॉटस्पॉट को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नज़र रखनी होगी। नए हॉटस्पॉट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को चुनौती देगा। मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने देना नहीं चाहिए। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। गरीबों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वो मेरा परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।